सो देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। सो ये स्कीम 2015 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसका एम क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना टू कॉमन पीपल। ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस, सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि हमारे देश में सरकार जो है वो सड़कें बनाती है गाड़ी चलाने के लिए। कुछ कुछ बड़े लोग हैं जिन्हें फुटपाथ पे गाड़ी चलाने का बड़ा शौक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं उनको वो उड़ा देंगे, उनके ऊपर गाड़ी चला देंगे, उनका कुछ नहीं होगा। तो सरकार सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लेके आई है। ठीक है, चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो 18 से 70 साल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, वो था 18 से 50 साल। इसका क्या है, 18 से 70 साल। ठीक है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो कुछ NRIs हैं। ठीक है, अगर वो बैंक अकाउंट उनके पास है जो कि इस देश में लोकेटेड है, वो भी एलिजिबल है, वो चाहे तो स्कीम में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ज्वाइंट होल्डर अकाउंट है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं स्कीम में, लेकिन जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उनको सेपरेटली पे करना होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर अलाउ नहीं है। ठीक है, टारगेट कवरेज क्या है, देखो इनिशियली टारगेट कवरेज 22 करोड़ था, इसको बढ़ाकर अब 37 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, की फीचर क्या है, की फीचर देखो सिंपल से बात है, प्रोटेक्शन करना है अगेंस्ट डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। ठीक है, प्रीमियम जो है ना हर साल 20 रुपये देना होगा, पहले प्रीमियम 12 रुपये था, इसको बढ़ा के अब 20 रुपये कर दिया गया है, जो कि एक इंस्टॉलमेंट में ही निकाल लिया जाएगा। ठीक है, टेन्योर 1 जून से 31 मई, जो कि जीवन ज्योति बीमा योजना के बिल्कुल जीवन ज्योति बीच जो उसका जो टेन्योर था वो भी इसका भी टेन्योर कवरेज वही सेम है। रिस्क कवरेज 2 लाख रुपये, अगर डेथ हो जाता है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाता है तो 2 लाख रुपये मिलेगा, लेकिन अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होता है ना, पार्शियल डिसेबिलिटी, तो 1 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, अब देखो स्कीम में ना टोटल डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी के बारे में भी लिखा है। टोटल डिसेबिलिटी मतलब दोनों हाथ कट जाए या दोनों पैर कट जाए, ठीक है, तो वो टोटल डिसेबिलिटी हो गया। पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब एक हाथ कट जाए या एक पैर कट जाए, ये एक तरह से पार्शियल डिसेबिलिटी है, पर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना बहुत है। कोई हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस कवर नहीं होगा इसमें। ठीक है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन कवर हॉस्पिटल जो भी इसमें ये स्कीम में कोई कवर नहीं है। ठीक है, और अगर डेथ और डिसेबिलिटी नेचुरल कैलेमिटीज होती है तब भी आपको पैसा मिलेगा, मर्डर होता है तब भी मिलेगा, लेकिन सुसाइड में पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर आपने सुसाइड किया, सॉरी अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ा है वो है जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें डेथ ड्यू टू एनी रीज़न हैज़ बीन कवर्ड, ये याद रखना। ठीक है, इसमें सुसाइड कवर नहीं है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। जीवन ज्योति बीमा योजना LIC और अदर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसमें GIC और GIC जो विलिंग है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टर्मिनेट 70 साल के होने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर बैंक में आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है किसी कारण से तो आपका स्कीम टर्मिनेट हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है इसमें पढ़ने लायक। ठीक है, ओके, थैंक यू।